राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संगड़ा को आदर्श का दर्जा तो मिल गया, परंतु सुविधाएं देना का कार्य जिस ठेकेदार को दिए गए था वह ढील बरतता जा रहा है। आपको बता दें कि इस विद्यालय में एक रूम पर दो दो कक्षाओं के छात्र बिठाए जा रहे हैं। बिना कमरे के छात्रों को पढ़ाई करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में भी छात्र बरामदे में बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन आंखें मूंदकर सब कुछ देख रहा है। प्रदेश सरकार विकास के कार्य तो बहुत कर रही है, परंतु इन ठेकेदारों की लापरवाही के कारण कई लोग आज भी परेशानी के दौर में हैं। जिस ठेकेदार को इस विद्यालय का कार्य दिया गया है वह कार्य शुरू नहीं कर रहा है। कार्य शुरू न करने से छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली छात्रों ने बताया कि इन दिनों पेपर का समय नजदीक आ चुका है। एक कमरे में दो दो कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिस कारण पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही है। छात्रों ने प्रशासन और जयराम सरकार से जोरदार आग्रह किया है कि इस विद्यालय का कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए और जो ठेकेदार कार्य करने में ढील बरत रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हमारे यहाँ पे जो है 93,56,000 रुपये का सरकार द्वारा बजट पारित किया गया था कि जो है 8 कमरों का निर्माण होना था, जिस पर जो है प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ने में बाधाएं आ रही है। स्कूल की जो है दो दो क्लासेज जो है एक ही क्लासरूम में बैठती है, जिसके कारण जो है बच्चों को पढ़ने में बाधा आ रही है और वो अपना ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा पा रहे। इसके कारण जो बच्चे हैं ना सर, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, परंतु सर इसके कारण वो फेल हो जाते हैं। तो सर इससे टीचर से परिणाम मांगा जाता है कि किसके कारण वो बच्चे फेल हुए, तो सर टीचर को इसमें कोई गलती नहीं होती। सर मैं सरकार से ही अनुरोध करूँगा या प्रशासन से कि सर कमरों का निर्माण जल्दी से जल्दी करें, ताकि सर बच्चे जो है अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सके। कहना चाहूँगी कि यहाँ पे टीचर की कमी है, यहाँ पे साइंस टीचर्स की कमी है, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सीटें खाली है। सर यहाँ पे ना टीचर आने चाहिए। मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगड़ा से मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे साइंस की वैकेंसी खाली है, कृपया उन पदों को जल्द से जल्द भर दें। धन्यवाद। स्कूल इंचार्ज ने बताया कि 93,56,000 का बजट इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सैंक्शन किया गया है, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी भवन का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात हुई है, लेकिन अभी तक इस भवन का कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिस कारण छात्रों को पढ़ाई करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। माध्यम से बताना चाहता हूं सरकार को भी और प्रशासन को भी कि जो ये 93,56,000 का बजट सैंक्शन हुआ था, ये 30 दिसंबर 2014 का हुआ था, जिसमें से कि 7-7 लाख की राशि से जो ये आप सामने देख रहे हैं ये खुदान हुआ है, ये इसी राशि से हुआ है। लेकिन उसके बावजूद 5 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी ये 8 कमरों का जो निर्माण होना था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके लिए हमने बीच बीच में PWD विभाग को भी कई बार सूचित किया है और वो कई बार यहाँ पर डिमार्केशन करने भी आया है, लेकिन डिमार्केशन करने के बाद वो ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर मॉडल स्कूल होते हुए भी कमरों का बहुत अभाव है। हमारी 9th और 10th 2 क्लासें हैं, वो एक ही हॉल में 2 सेक्शन बने हैं, एक ही हॉल में बैठते हैं, जिसके कारण पढ़ाई बाधित होती है। और इसके अलावा 3 क्लासेज जो हमारी है 6ठी 7वीं 8वीं वो बाहर बैठती है। इतने ख़राब मौसम होने के बावजूद भी अभी आपने देखा कितना मौसम ख़राब हुआ है, फिर भी बच्चे बाहर बैठे हैं, लेकिन कमरों का निर्माण नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं प्रशासन से और सरकार से भी गुहार लगाता हूँ कि ये 8 कमरों का जो निर्माण होना है वो तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र शुरू करें, ताकि बच्चे के लिए बैठने के लिए प्रावधान हो सके और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से दोबारा ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को भी, यदि प्रशासन इसमें ढील दे रही है तो प्रशासन से भी अनुरोध है कि वो इस 8 कमरों का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करे। पहले जो यहाँ ठेकेदार था अश्वनी कुमार कॉलर से है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था कि बीच में ये बिजली का जो पोल है इसकी वजह से काम शुरू नहीं हो रहा। तो बिजली विभाग को भी हमने नोटिस दिया है, लेकिन इसके ऊपर ना PWD विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और ना ही बिजली विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि हमारे बच्चे ठंड में भी सफ़र कर रहे हैं, पढ़ाई से तो बाधित हो रहे हैं। बहुत सारी पोस्टें भी यहाँ पर खाली है, जैसे कि प्लस टू की छात्रा मनीषा ने बताया कि यहाँ साइंस स्ट्रीम जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और हाई में भी मैथ्स की हमारी पोस्ट खाली है, तो बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं। अभी एग्ज़ाम होने शुरू है लेकिन अध्यापकों की कमी है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि वो अध्यापक के अलावा वाला ये पहले जो 8 कमरों का निर्माण है इसको भी शीघ्र अतिशीघ्र शुरू करें।